ये है मेघालय का ईस्ट खासी हिल्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने यहाँ की भी लड़कियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। वो भी अपनी तरक्की के रास्ते तलाश कर रही हैं। सेव गर्ल चाइल्ड का नारा यहाँ भी बुलंद हो रहा है। इसी जिले में रहती हैं बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखने वाली इबाला मोनलांग सोतून। इन्होंने स्वयं को मनरेगा योजना के तहत एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्टर करा रखा है। इनके पति एक दिहाड़ी मजदूर हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, उनको कैसे पालूंगी ये चिंता हमेशा मुझे सताती रहती थी, लेकिन इस समस्या का समाधान मिला मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सोतून की 2 बड़ी बेटियां प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही हैं। मेरी 3री बेटी की डिलीवरी के समय मैंने यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने के लिए समझाया। घर पर डिलीवरी करवाने में जिस तरह का खतरा होता है उससे भी मैं निश्चिंत रही। बच्चे का टीकाकरण भी समय पर हो रहा है। महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए भी ट्रेन किया जा रहा है। सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि घर में होने वाली डिलीवरी कम हुई है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को लेकर जो महिलाओं में गलतफहमी थी वो भी काफी हद तक दूर हो गई है। हमारी यही कोशिश रहती है कि समाज बेटियों के महत्व को समझे, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, उन्हें सशक्त बनाएं। जिला ईस्ट खासी हिल्स में माओं के लिए एक मदर ऐप शुरू किया गया जो महिलाओं की हर तरह से मदद कर रहा है। मदर ऐप का मकसद महिलाओं को हर तरह की जानकारी देना है ताकि वह अपना और अपनी बेटियों का अच्छी तरह से ख्याल रख सके। अपनी बेटियों के साथ खेलती सोतून ये बताती हैं कि ईस्ट खासी हिल्स में भी बेटियां अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। माँ और शिशु के मृत्यु दर में कमी आई है, और यकीनन इसका सारा श्रेय वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को देती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मजबूत राष्ट्र बनाओ।